राजिम के पांडुका कन्याशाला में मिड डे मील के खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। आनंद फानन में बच्चों को पांडुका के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद 11 में से 7 बच्चों को हालांकि छुट्टी दे दी गई है। 4 बच्चों को गंभीर अवस्था में राजिम CHC रेफर किया गया है। यहाँ डॉक्टर्स ने बच्चों की स्थिति स्थिर बताई है। स्कूल में पढ़ रही छात्राओं ने बताया कि दाल चावल खाने के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। पहले चक्कर आना शुरू हुआ और इसके बाद उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत मिली। जानकारी के मुताबिक स्कूल में मिड डे मील में खाने की शिकायत पहले भी मिली थी और अब देखिए 11 बच्चे बीमार हुए, 4 की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने से तबीयत खराब हुई, पेट में एकदम जलन टाइप का हुआ और सिर में एकदम दर्द कर रहा। तो PSC पांडुका उनको प्राइवेट ट्रीटमेंट दिया गया था, उसके बाद हमारे पास रिफर किया गया। किसी को उल्टी वगैरह भी शुरू हुआ है, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना शुरू हुआ है, तो हमारे पास धीरे धीरे करके 4 पेशेंट्स आए हैं।